वेलकम टू कुकिंग विद गुरकिरत। आज हम बनाएंगे पनीर के पकौड़े। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पनीर के पकौड़े बनाने के लिए ये हमने पनीर लिया है, अभी इसके हम पीसेस कट करेंगे। हम मीडियम साइज़ के पकौड़े बना रहे हैं तो हम मीडियम साइज़ ही कट करेंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अभी चलते हैं बैटर की तरफ। ये हमने एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन। इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, 3 चम्मच दही के। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अभी पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। अभी बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा और बेसन डालेंगे इसमें, 2 चम्मच के करीब। अच्छे से इसे फेंट लेंगे, एकदम स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। आपको भी ऐसा थिक बैटर चाहिए, ज़्यादा पतला करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ये हमने ऑयल लिया है और हम पनीर के पीसेस को बेसन के बैटर में डिप करते जाएंगे। अभी पनीर को अच्छे से डिप करेंगे बेसन में और कढ़ाई में डालते जाएंगे। अभी साथ में हम पलट भी देंगे पकौड़ों को कि पनीर के पकौड़े जले ना। अभी हमारे पकौड़े जो रेडी हो चुके हैं उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर किया था। बचे हुए पकौड़े को भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। पनीर के पकौड़े बनके हमारे रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।